अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सास बहू का तड़का। मेरा नाम है मेहना जुहैब। तो व्यूअर्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कचरी कीमा या बिहारी कीमा। आइए चलते हैं किचन की तरफ। तो व्यूअर्स, बिहारी कीमा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। आधा किलो मैंने कीमा लिया है। कीमे को हम करेंगे मैरिनेट, और उसके लिए जो हमें मसाले चाहिए वो ये हैं। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून ले लें हल्दी पाउडर, नमक हसबे जायका, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला, ये एक छोटी प्याज को मैंने फ्राई कर लिया, 1/4 टीस्पून मैंने लिए हैं सुर्ख मिर्चें, और ये है कचरी पाउडर। आप कच्चा पपीता भी ले सकते हैं, और ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। 1 टेबलस्पून जाएगा अदरक, और 1 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन का। आइए इसे मैरिनेट करते हैं। एक बाउल में मैंने कीमा लिया। अब मैं इसमें तमाम मसाले, तमाम चीज़ें इसमें डालूंगी और इसको मिक्स करके कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्जी टाइम रखें, मिनिमम टाइमिंग जो है वो इसकी 2 आवर्स है। तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक और बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। आप इसे मैरिनेट करके फ्रीज भी कर सकते हैं। मैरिनेट करके आप फ्रीज कर दें, आप अचानक कोई गेस्ट आ जाए या कुछ भी हो तो आप फटाफट निकालें, इसको फ्राई करें और ये तैयार है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम मसाले कीमे में जा चुके हैं। अब हम इसके ऊपर एक मक्खन की ये लेयर लगाएंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर आता है। एक चम्मच मैंने इसमें मक्खन डाली, और एक चम्मच हम जब पकाएंगे तब डालेंगे। और अब हम इसे कवर करेंगे, और कवर करके हम इसे मैरिनेट करने के लिए रखेंगे कम से कम 2 आवर्स, और मैक्सिमम आप जितना मर्जी चाहे रख सकते हैं। इसको मैंने क्लिंग से कवर कर दिया। तरह से इसको एयर टाइट होने से कवर करना, और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो व्यूअर्स, 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे कीमे को पकाएंगे। हमने एक पैन में लिया है आधा कप ऑयल, और ये भी थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने कीमा मैरिनेट किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है, तिक्का मसाला कसा। तो हम मिक्स करेंगे। हमने इसे इतनी देर तक लो फ्लेम पे पकाना है जितनी देर तक कीमे का पानी खुश्क हो जाए। काम कर देंगे लो फ्लेम। और इसे ढक देंगे उस वक्त तक जब तक कीमे का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और कीमे का पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। देखें, अब इस स्टेज पर हम इसमें दही ऐड करेंगे। तकरीबन
हाफ कप दही लेते हैं। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया और इसमें हमने दही को ऐड कर दिया। फिर हम थोड़ा सा हाई करेंगे और अपने से कीमे को बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई के लिए तैयार है। हम इसे बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे यहाँ तक कि इसमें हर तरह की कढ़ाई खत्म हो जाए। स्टेज पर हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे। इसे बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। की बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही लजीज कीमा तैयार होगा। वन टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें मक्खन ऐड किया। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये कचरी कीमा या बिहारी कीमा तैयार हो चुका है जो कि बहुत मज़ेदार है और बहुत क्विक है। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।